नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत की। इसके बाद परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की गई। बता दें कि 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जानी थी, पर सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए निर्णय के तहत निरस्त होने के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा का भी निरस्त होना तय माना जा रहा था। आज इस निर्णय की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 26,10,316 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने दसवीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूंकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और पहले तो 60 लाख बैठते थे, वो 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाईस्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे, आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से यूपी 12वीं की परीक्षा जो है उसे रद्द कर दी गई है, अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उन्होंने परीक्षा नहीं दी है, उनके ऊपर क्या बीत रही। हमारे साथ में कुछ छात्र हैं जो बताएंगे कि पढ़ाई जो है उन लोगों ने जो तैयारी की थी उसके लिए बताएंगे क्या उनको लग रहा है। क्या नाम है आपका? अनुराग अवस्थी। ये बताइए, जिस तरीके से 12वीं की जो परीक्षा है मुख्यमंत्री द्वारा जो है उसे रद्द कर दी, क्या कहना चाहेंगे? हम इतने दिनों से ये परिस्थितियाँ चल रही थी, हम लोग तैयारी भी कर रहे थे, कुछ नतीजे नहीं आ रहे थे, फिर अब जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है उससे मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोगों को हो रहा है कि इतनी तैयारियां करने के बाद परीक्षाएं नहीं हो रही है। हमारे साथ में एक जो और भी है छात्र जो तैयारी पूरी तरीके से जो है परीक्षा के लिए जो करा था और उनसे पूछेंगे। क्या नाम है? शिवान शुक्ला सर। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करके रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने जो है आज है परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, इसके लिए अब क्या कहना चाहिए? सर, हम लोगों ने तैयारी अच्छे से की हुई थी पर अब परेशानी है जो मतलब इन्होंने रद्द कर दी है, तो इस तरह से थोड़ी बहुत दिक्कत तो है ही, पर अब ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा देने के लिए जो बच्चे थे वो तैयारी पूरी तरीके से कर चुके थे, उनके ऊपर बहुत दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जो मेहनत किया था उस पर पानी फिर गया है। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम। यूपी में धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। कोरोना केस होने के साथ लोग से अपील की जा रही है, नियमों का पालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुलंदशहर में डीएम ने जनपद वासियों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें। इसी के साथ उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसलिए किसी को भी वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको भी सुनाते हैं डीएम का ये पूरा बयान। देखिए, मैं यही अपील करूंगा कि हालांकि केस कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है, लेकिन कोरोना अभी भी उतना ही खतरनाक है, इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि अभी भी वे कोविड गाइडलाइंस का उतना ही पालन करें जितना उस समय कर रहे थे जब संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसके साथ ही साथ मुझे पता लगा है कि लोगों में कमियाँ हैं और ऐसे गाँव से लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने अपनी दोनों डोज लगा ली, कल ही मैंने अपना सेकेंड डोज लगाया है और हम ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कोविड वैक्सीनेशन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। कोविड वैक्सीनेशन इसलिए दिया जाता है कि आपके शरीर आजमगढ़ में पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र समाजवादी पार्टी की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। विजय यादव समाजवादी पार्टी की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ये घोषणा की है। बुलंदशहर में सरकारी क्रय केंद्रों का हाल बेहाल है। पिछले दिनों
पिछले 3 दिनों से किसान परेशान है और यहाँ गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है। क्रय केंद्र पर किसानों की भीड़ दिखाई दे रही है, किसान काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि उनके अनाज की बर्बादी हो रही है और केंद्रों पर कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं। अपनी परेशानी को बताने के लिए किसानों ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए केंद्र का एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। मैनपुरी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हथियार बनाने वाली फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक शातिर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री से तमंचे और हथियार बनाने वाले भारी मात्रा में उपकरण को भी बरामद कर लिया है। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले 18 तारीख को मोहनपुर मोड़ से कई तमंचे के साथ गिरफ्तार हुआ। इस समय इस तरह की चीज़ों में हमारे जोनल जो जोन के हमारे एडीजी जोन सर हैं या रेंज के आईजी सर हैं और कप्तान साहब का लगातार फोकस रहा है कि तमंचे में पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस तक नहीं पहुँचने की कोशिश करती है, जबकि हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि पीछे ये कहाँ से बनी है और आगे कहाँ तक जा सकती है। गोरखपुर में एक शादी समारोह में आयोजित ऑर्केस्ट्रा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र यादव बारबालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए दिखाई दे, स्टेज पर चढ़कर बारबालाओं के साथ नाचते हुए दिखाई दे और अश्लीलता के सभी हदें इशारे से पार करते हुए भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि नेताजी सिर्फ अश्लील गानों पर ही नहीं, साइकिल वाली पार्टी से संबंधित बने गाने पर भी डांस करते नजर आए और इस दौरान कुछ लोगों ने नेताजी पर भड़क भी गए और नेताजी के समर्थकों ने गांव के लोगों से हाथापाई शुरू कर दी और लोगों पर कुर्सियां फेंकने लगे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। थाना कैंपेरगंज क्षेत्र में एक शादी समारोह में कुछ लोग अश्लील डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस संबंध में जांच किया गया। उस तथ्यों के आधार पर FIR दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया गया है। जो भी उसमें शादी समारोह जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है और अश्लील डांस जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है और जिन्होंने भी वहाँ पे नाच वहाँ नाचा है और कोविड अधिनियम नियमों का उल्लंघन किया है, उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए। रामपुर के सिविल लाइन थाने में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिली कि आत्महत्या करने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया। मृतक के परिजनों ने ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, साथ ही शिकायत के आधार पर आरोपी पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। घटना ये हुई, शादी हुआ वो 10 साल हो गए, बीबी भी तंग करती थी बहुत ज़्यादा, बड़े बाप की बेटी थी और ससुराली बार बार यही कहते थे तो जान से मार देंगे, तेरी कुट्टी कर देंगे, जब भी जाता था या उन्हें बच्चों से भी बात नहीं करने देती थी बीबी, बच्चों को भी ससुराल में रखती थी मैके में। और कल लिवाने के लिए गया तो कल उसे मारा, जान दुखा के वहाँ से भागा, वो आन के उन्होंने वीडियो बनाकर और आत्महत्या। कहाँ की घटना? अलीनगर जुम्मन। हमीरपुर में DRM संदीप माथुर ने सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन में दिखी गंदगी को लेकर कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। साथ ही DRM ने यमुना नदी के उस पार बन रहे नवी पावर प्लांट तक रेलवे ट्रैक का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ में AMU द्वारा खूबसूरत गेट लगने के बाद भी एक रास्ते की पहचान टूटी बाउंड्री है। दरअसल जमालपुर जाने वाले रास्ते पर कई बार दीवार खड़ी की गई लेकिन दीवार को अगले ही दिन तोड़ दिया जाता था। AMU के कई वाइस चांसलर ने टूटी बाउंड्री पर दीवार खड़ी करने का प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बता दें कि इस रास्ते से AMU कैंपस में असामाजिक लोगों का प्रवेश होता था। कई विवाद और गोलीकांड के बाद टूटी बाउंड्री पर गेट खड़ा कर दिया गया है। अब जबालपुर के रहने वालों को भी सहूलियत मिल गई है। बेसिकली बात यह कि वहाँ पर गेट ना होने की वजह से यूनिवर्सिटी के लिए एक सिक्योरिटी का मामला रहा है शुरू से, क्योंकि कुछ कभी कभी कुछ वारदात होती थी और वारदात करने वाले मोटरसाइकिल से या गाड़ियों से उसी रास्ते से निकल जाते थे और उन पर कोई चीज़ नहीं हो पाता था।
तो वाइस चांसलर साहब, ये जो सेंटेनरी गेट बना है, इस गेट के बनने के बाद ही वाइस चांसलर साहब चाह रहे थे कि इस ये गेट भी बन जाए ताकि हमारी बुलंदशहर के थाना अनूप शहर में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती की मौत पर परिवार वालों ने 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन इस मामले में आरोपी पक्ष ने भी अपना दावा पेश किया, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि घटना में छेड़खानी के मामले भी सामने आ रहे हैं और जांच के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को जल्द ही जेल भिजवा दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले सुल्तानपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। जिन अस्पतालों को ग्रामीणों के इलाज के लिए वर्षों पहले बनाया गया था, उस अस्पताल को खुद ही इलाज की जरूरत है। मुख्य बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो इस अस्पताल के बाकी कमरों में भूसे, उपले और फसलों के खरपतराव रखे जा रहे हैं। अन्य कमरों में टूटी फर्श और बारिश में छत से पानी टपकना यहाँ आम बात है। पिछले 4 साल से यहाँ डॉक्टर की तैनाती नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान आसपास के गांव में दर्जनों लोगों की संक्रमण से मौत के बाद भी यहां केवल एक फार्मासिस्ट ही तैनात है, जिसके भरोसे ही हजारों की आबादी इलाज करवा रही है। इस पर देखिए हमारी ये एक खास रिपोर्ट। ये नजारा है लंबुआ विधानसभा के शिवगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। 1992 में तत्कालीन कारागार एवं राजनीतिक पेंशन राज्य मंत्री उमानाथ सिंह ने यह सोचकर इसका उद्घाटन किया था कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी सोच से बिल्कुल उलट ये अस्पताल आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने यहां आसपास के कई गांव में दर्जनों लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, लेकिन तब भी स्वास्थ्य महकमे ने यहां ध्यान नहीं दिया। हाल ये है कि पिछले 4 साल में यहां किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई। कहने को यहां केवल एक फार्मासिस्ट रखा गया है जो आसपास के दर्जनों गाँव के हजारों लोगों का इलाज कर रहा है। ऐसे में तत्काल इलाज के लिए लोगों को लंबुआ जिला अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। अस्पताल यहां बनाई गई थी, अभी तक यहां पर कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है जिससे कि गांव शिवगढ़ या तमाम 1 लाख की आबादी वाला पूरा क्षेत्र है, कभी यहां से कुछ इनको कभी लाभ नहीं मिला है। कभी जैसे इमरजेंसी में कुछ असुविधा होती है पेशेंट को, या तो लव हुआ जाता है सुल्तानपुर अपने साधन से। ये जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कबाड़ हुआ पड़ा है। पूरे अस्पताल जर्जर हुई पड़ी है। यहाँ पे अगर किसी भी तरह की आकस्मिक घटना होती है तो आदमी को यहाँ से दूर लेके भागना पड़ता है, जिससे क्या कहते हैं मरीज की या तो रास्ते में मृत्यु हो जाती है या तो क्या कहते हैं केस बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ पे लगभग 50,000 से ज़्यादा की आबादी है इस अस्पताल के रेंज में, लेकिन अगर कोई प्रसव की दिक्कत आती है तो या तो प्रसव रास्ते में हो जाता है या तो क्या कहते हैं अस्पताल पहुंचते हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। भले ही इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लोगों के इलाज के लिए किया गया हो, लेकिन जब अस्पताल खुद बीमार हो तो लोगों का इलाज कैसे हो। इस अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो अन्य भवनों की दुर्दशा देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यहां बने कमरों में गांव के लोगों का कब्जा है। कुछ कमरों में जहां भूसे और खरपतवार रखे गए हैं तो अन्य कमरों को उपलों के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। हाल ये है कि ज्यादातर कमरों की फर्श टूट चुकी है और तो और हल्की बारिश में ही कमरों में पानी रिसने लगता है। पे केवल एक समझ लीजिए अस्पताल के नाम पर एक कागजी कार्रवाई पूर्ण हो रहा है, पे बाकी अस्पताल के नाम पे कलंक है। डॉक्टर यहाँ बैठते हैं? नहीं, डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। पिछले 5 साल से यहाँ पे लगभग आप 2017 से यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर है रामकरण जो यहाँ पे नियुक्त थे, लेकिन वो यहाँ से इस समय कहीं और अटैच कर दिए गए हैं। इसमें कोई इलाज उलाज नहीं होता, वही सरकारी कैंप से जो आता है इधर उधर टीका फीका लगता है, बाकी कोई इलाज नहीं होता। कोई मरीज अमल वजह से बीमार हो गया
तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि यही एक साल भर से एम्बुलेंस आई है, यही अपना टाइम पे रहती है तो ले जाते हैं, नहीं तो आदमी अपने ऐसा नहीं है कि इस बीमार अस्पताल के इलाज के लिए लोगों ने प्रयास ना किया। सूबे के स्वास्थ्य और जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह, सांसद मेनका गांधी, विधायक देवमणि द्विवेदी सहित तमाम जनप्रतिनिधियों से कई बार डॉक्टरों की तैनाती और अन्य व्यवस्थाओं के लिए कहा गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली है। सुल्तानपुर से प्राइम टीवी के लिए अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के साथ बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त करने की घोषणा कर दी। इससे पहले हाई स्कूल की परीक्षा भी निरस्त की जा चुकी है। इंटरमीडिएट के 26 लाख से ज्यादा छात्रों को प्रणत किया जाएगा। इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, आप कहीं मत जाइएगा, आप एक नजर डालिए इंटरमीडिएट के 26 लाख बच्चों के किस तरह से परीक्षा होंगी और किस आधार पर परीक्षा में पास उन बच्चों को किया जाएगा, उसको दर्शाती हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के सेकंड स्ट्रेन के कारण पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सीबीएसई और आईएसई के कक्षा की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके आगे की रणनीति की घोषणा शाम को की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा भी निरस्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमने कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ करीब 30 मिनट बैठक चली। 10:30 पर शुरू हुई बैठक 11 बजे समाप्त हुई। शिक्षा बोर्ड की कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। इसमें परीक्षा रद्द करने के बाद परीक्षार्थियों के अन्य विकल्प के सुझाव दिए गए हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 12 घंटे की बैठक के बाद प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद यानी यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला तथा शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के करीब 100 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कक्षा 10 और 12 की परीक्षा को रद्द किया गया है। अब यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के विद्यार्थी भी अगली कक्षाओं में प्रोन्नत होंगे। औपचारिक घोषणा शाम तक की जाएगी, लेकिन विद्यार्थियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीबीएसई की परीक्षा के रद्द करने के ऐलान के बाद हम भी तैयारी कर रहे थे। पीएम मोदी के लिए हमेशा से ही बच्चों का भविष्य और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता रही है। कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों के हित में लिए गए इस निर्णय से न केवल बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। यह निर्णय भी उसी दिशा में लिया गया कदम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 की परीक्षा को रद्द कर चुकी थी, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है। अब जल्द ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व कक्षा 12 के बच्चों के बारे में फैसला लेंगे। बोर्ड ने कक्षा 12 की फरवरी में हुई प्री बोर्ड परीक्षा का रिकॉर्ड मांगा है। बोर्ड सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक से 28 मई की शाम तक वेबसाइट पर अंक अपलोड करने का निर्देश दिया था। जिन्हें पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूंकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी।
कहने का तात्पर्य यह है कि हाईस्कूल परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे, आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। यूपी बोर्ड हाईस्कूल के 29.9 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा निरस्त कर उन्हें पहले ही प्रोन्नति देने का फैसला कर चुकी है। अब इंटरमीडिएट के 26.1 लाख विद्यार्थियों को भी प्रोन्नति दी जाएगी। यूपी बोर्ड ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। यूपी बोर्ड के सचिव ने 22 मई को ही सभी कॉलेजों से कक्षा 12 की रिपोर्ट और 11 की छपाई और वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे थे। इस निर्देश पर 28 मई तक अधिकांश स्कूल छात्र छात्राओं के अंक का ब्यौरा भेज चुके हैं। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने 22 मई को ही सभी स्कूलों से क्लास 12 के प्री बोर्ड और 11वीं के छमाई और वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे। 28 मई तक अधिकांश स्कूल छात्र छात्राओं के अंक डाटा भी ऑनलाइन पोर्टल पर फीड कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं कि इंटरमीडिएट परीक्षा निरस्त होने पर छात्रों का क्या कुछ कहना है। नहीं वैसे ठीक नहीं है, वैसे ठीक नहीं है ये। और जैसे कि हमने जैसे तैयारी की है, हमने जहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी लिए और क्या जिस जो नहीं पढ़े बच्चे उनके भी वही नंबर है, जो हमारे भी वही नंबर है, जो हमने मेहनत की उस हिसाब से नहीं आएंगे तो हमें थोड़ा तकलीफ होगा और आगे ग्रेजुएशन में तकलीफ होगी। तुम किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए फॉर्म भरेंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर अगर मेरिट लिस्ट भी जाएगी तो ऑलमोस्ट सेम सबकी मैचिंग जाएगी, ठीक है, देन हमारे लिए वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो यही है कि सरकार ने डिसीजन गलत लिया है। थोड़ा डिले पेपर हो सकते थे, एग्जाम थोड़ा डिले भी हो सकते थे, अगर करना चाहते तो सरकार के पास ऑप्शंस अवेलेबल थे। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 स्टूडेंट पंजीकृत हैं। बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। इस वर्ष यूपी बोर्ड में करीब 56 लाख छात्र छात्राएं हैं। हाई स्कूल की परीक्षा पहले रद्द कर दी गई थी, अब 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। छात्र संख्या के हिसाब से यूपी बोर्ड देश का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है। यूपी बोर्ड के 12वीं के छात्र छात्रा का मूल्यांकन पिछली दो कक्षाओं की अंतिम परीक्षाओं और 12वीं की आंतरिक परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर हो सकता है या फिर कक्षा 10वीं के बोर्ड के परिणाम को कुछ वेटेज दिया जा सकता है और कुछ वेटेज कक्षा 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले हाई स्कूल की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थी और अब इंटर की परीक्षाएं भी निरस्त कर दी गई हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ छात्रों के बीच आकर के हमने छात्रों से कुछ बातचीत की कि किस जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं तो उन पर क्या उनका कहना था, किस तरह की उनकी विचारधारा थी कि क्या कुछ सही किया है सरकार के द्वारा या नहीं किया है। तो वहीं छात्रों के द्वारा हमें बताया गया कि जिस तरह प्रदेश सरकार ने हमारी जो परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं तो इसमें हमारे भविष्य के लिए नुकसान है, क्योंकि ये हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स ना दिए जाएंगे क्योंकि सभी का ग्रेड एक जैसा लगभग सरकार रखेगी इस कंडीशन में। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी।